दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, भारत प्राचीन रहस्यों, चिकित्सा, जीवन संस्कृति और वैज्ञानिक खोजों का देश है। दोस्तों, देश विकास के रास्ते में अग्रसर है, इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों, अभी हम बड़े बड़े महानगरों के बड़े बड़े घरों में रहते हैं। दोस्तों, हम समय के अनुसार अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, पर दोस्तों अभी अभी कुछ लोग उसी तरह से रह रहे हैं जैसे सैकड़ों साल पहले रहा करते थे। दोस्तों, दुनिया में दूसरी सबसे घनी आबादी वाला देश होने के नाते भारत कई स्वदेशी जनजातियों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा, परंपरा, संगीत और बुनाई की तकनीक है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख ट्राइब्स यानी जनजाति की जीवन शैली के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द कुरुम्बा ट्राइब ऑफ द नीलगिरी। दोस्तों, नीलगिरी पर्वत के कुरुम्बा लोग अद्भुत कलाकार, महान संगीतकार और जादूगर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बीमारी और मृत्यु का कारण बनने वाले मंत्र हैं। साथ ही सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक भी करते हैं और खुद को जानवरों में बदल लेते हैं। दोस्तों, कुरुम्बा समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी एक विशेष भूमिका है, जादूगर, चिकित्सक, ओझा, दिव्यांग और जादूगर। दोस्तों, ये लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। दोस्तों, ये लोग अतीत में अपने काले जादू और जादू टोना के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, ये लोग जंगलों में रहते हैं और इनकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 89,000 है। दोस्तों, इस जनजाति के लोग हाइट में छोटे होते हैं, इनकी त्वचा सांवली होती है। दोस्तों, कुरुम्बा हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। इस जनजाति के मुख्य देवता भैरव के नाम से भगवान शिव हैं। दोस्तों, ये अन्य हिंदू देवताओं के साथ जानवरों, पक्षियों, पेड़ों, चट्टानों, पहाड़ियों और सांपों को भी पूजते हैं। दोस्तों, इनका मुख्य काम है शिकार करना, मगर जब से जंगल में शिकार के लिए प्रतिबंध लगा तो उन्हें जंगल से बाहर काम खोजने के लिए आना पड़ा। दोस्तों, वर्तमान में ये लोग मजदूर के रूप में कॉफी और चाय बागानों में काम कर रहे हैं। द गुर्जर ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में गुर्जर एक मुख्य जनजाति है। गुर्जरों को गुर्जर, गुर्जर या गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर जनजाति की प्रमुख जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिम प्रांतों में है। दोस्तों, इन गुर्जर आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक जीवन को इसके कई पहलुओं में है, जैसे नृत्य, धार्मिक संस्कार और रीति रिवाज आदि। दोस्तों, गुर्जर आदिवासी समुदाय का धर्म के प्रति बहुत ही अधिक झुकाव रहा है। दोस्तों, ये गुर्जर आदिवासी समुदाय गुर्जरी की खूबसूरत भाषा का उपयोग करते हैं। ये गुर्जरी भाषा प्रसिद्ध राजस्थानी भाषा समूह की है। दोस्तों, वर्तमान समय में आधुनिक समुदाय के लोगों के साथ तेजी से बातचीत के कारण इस गुर्जर आदिवासी समुदाय के कई सदस्यों ने कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रवाह विकसित कर लिया है। ये पंजाबी, उर्दू, हिंदी, पश्तो, पहाड़ी जैसे कि कांगड़ी और डोगरी, दर्दी, खोवार और कश्मीरी भी बोलते हैं। दोस्तों, गुर्जर जनजातियां गर्मियों के मौसम में मैदानी क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश की ऊपरी श्रेणियों की ओर पलायन करती हैं। हालांकि बदलती परिस्थितियों की मांगों के साथ साथ समकालीन दौर के गुर्जरों ने कई अन्य व्यवसायों में भी काम करना शुरू किया है। दोस्तों, गुर्जर का वंश तुर्किक जातीय समूह से निकला है, जिसे खजर जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस समुदाय की जनसंख्या लगभग 92,000 है। दोस्तों, इस समुदाय का मुख्य देवता लखदाता पीर है। भयानु लखदाता पीर और ऊना वाले पीर निगाह इनके बहुत ज्यादा पूजनीय स्थान हैं। दोस्तों, हर हिंदू गुज्जर के गांव में लखदाता पीर का मंदिर होता है। हिंदू गुज्जर समुदाय कुल देवी की पूजा भी करता है। इसके साथ ही वो देवी देवताओं और हिंदू धर्म के अनुसार मान्य सभी भगवान की पूजा भी करते हैं। मुस्लिम गुज्जर समुदाय अपनी आस्था व रीति रिवाजों के हिसाब से अल्लाह को मानते हैं। दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय और रहन सहन के अनुसार गुज्जर दो प्रकार के होते हैं, स्थायी गुज्जर और घुमंतु गुज्जर। दोस्तों, मौजूदा समय में समुदाय के लोग हर व्यवसाय और नौकरियों में भी अच्छे मुकाम तक पहुंचकर अपना योगदान दे रहे हैं। गुज्जर समुदाय के लोग आज भी पशुओं का व्यापार करते हैं। ये लोग अधिकतर संख्या में भैंसों का व्यापार करते हैं। इसमें कुछ एक बड़े व्यापारी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। समुदाय का एक वर्ग बकरी पालने में भी लघु कारोबार पर निर्भर है। द गौड़ा ट्राइब इन गोवा। दोस्तों, गौड़ा आदिवासी गोवा के समुद्री तट के किनारे रहने वाले लोग हैं। ये कोंकण के मूल निवासी माने जाते हैं। दोस्तों, ये लोग अधिकांश हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन दोस्तों गोवा के ईसाईकरण के कारण पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा कई लोगों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये अभी भी अपनी लोक परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। दोस्तों, गोवा की गौड़ा जनजाति को दो अलग अलग विशेषता है। दोस्तों, पहली विशेषता इस जनजाति की ये है कि यहाँ की महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ की महिला सामाजिक और राजनीतिक मामलों में अपना पक्ष रखती है और अपना विचार भी व्यक्त करती है।
दोस्तों, इस जनजाति की दूसरी विशेषता ये है कि इस जनजाति में आपको हिंदू और ईसाई धर्म दोनों के रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। द हलक्की ट्राइब इन कर्नाटका। दोस्तों, हलक्की एक स्वदेशी जनजाति है जो मुख्य रूप से कर्नाटका में रहते हैं। दोस्तों, उनके जीने का रास्ता अभी भी बहुत प्राचीन है। दोस्तों, इस जनजाति की महिलाएं माला, हार, भारी, नाक के छल्ले, इन सारी चीजों से अपने आप को सजाती हैं। दोस्तों, हलक्की जनजाति की बोली कन्नड़ की तरह ही होती है, पर कन्नड़ से थोड़ी अलग। दोस्तों, ये जनजाति कर्नाटका के अंकोला शहर के आसपास उनका आवास होता है। दोस्तों, ये जनजाति मुख्य रूप से अपने सुंदर लोक गीतों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इस जनजाति की महिलाएं अपने जीवन के हर पहलू को सरल दैनिक दिनचर्या से लेकर अपनी ऐतिहासिक परंपरा तक इन गीतों और कविताओं के शब्द में पिरो देते हैं। लेकिन दोस्तों, आधुनिकीकरण के कारण इनके ये कला भी लुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, इस साल मिले पद्मश्री पुरस्कार की लिस्ट में तुलसी गौड़ा का नाम भी है। तुलसी का भी जन्म कर्नाटका के हलक्की जनजाति के परिवार में हुआ। दोस्तों, ये पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। इसी वजह से इन्हें इस साल पद्मश्री मिला है। द चंगपा ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, चंगपा आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं। दोस्तों, चपंगा जनजाति खाना बदोश जीवन पसंद करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में इस चपंगा आदिवासी समुदाय की प्रमुख जनसंख्या लद्दाख पर्वतमाला में चांगथांग पठार जैसे कई स्थानों पर पाई जाती है। दोस्तों, चपंगा आदिवासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। कई अन्य आदिवासी समुदायों की तरह इस चपंगा आदिवासी समुदाय ने भी खुद को खेती में लगाया है। चपंगा जनजाति ज्यादातर जौ की खेती करती है। दोस्तों, चपंगा जनजातियों के कुछ लोग छोटे व्यापारी गतिविधियों भी कर रहे हैं। कई आदिवासी समुदायों की तरह ये चपंगा आदिवासी समुदाय भी धर्म और आध्यात्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति व्यापक रूप से उन्मुख हैं। इन चपंगा जनजातियों ने अभी भी स्थानीय धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाजों का पालन करने की अपनी विरासत को बरकरार रखा है। साथ ही चपंगा आदिवासी समाज में भी स्थानीय देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है। वैसे दोस्तों, चपंगा आदिवासी समुदाय के कई सदस्य हैं जो कि बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ मानव शास्त्रियों के अनुसार बहुत कम मुसलमान भी ऐसे हैं जो कि रमजान और ईद का त्योहार बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। जम्मू और कश्मीर घाटी के अलावा इस चपंगा आदिवासी समुदाय के कई लोग भारत के अन्य स्थानों में भी पाए जाते हैं। द भील ट्राइब इन राजस्थान। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी आने वाली भील जाति का इतिहास काफी पुराना है। दोस्तों, कहा जाता है कि भीलों ने ही लड़ाई में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। दोस्तों, भील जनजाति राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है। दोस्तों, इनका निवास स्थान मुख्य रूप से उदयपुर है, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी इनका निवास है। दोस्तों, मेवाड़ और मुगल समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे। दोस्तों, तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत, भूमिया और जागीरदार कहा जाता था। दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में भील सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, भील स्वभाव से वीर, साहसी और स्वामी भक्त होते हैं। इतिहास में हमें भीलों की वीरता, साहस एवं स्वामी भक्ति का वर्णन मिलता है। भील अपने वचन के पक्के एवं मनमौजी स्वभाव के होते हैं। स्वभाव से इतने सीधे होते हैं कि कोई भी इनको ठग सकता है। दोस्तों, भील पुरुष शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं। जंगलों में निवास करने वाले भील पुरुष प्रायः एक लंगोटी में ही अपना जीवन बिताते हैं, परंतु जो भील परिवार खेती करते हैं और बस्तियों के समीप आकर रहने लगते हैं, वे मोटा कपड़ा पहनते हैं, जिसे ये लोग अंगरखा कहते हैं। दोस्तों, भील जिन बस्तियों में रहते हैं उन्हें पाल कहते हैं। हर एक पाल में भीलों का एक नेता होता है, जिसे मध्य भारत में तर भी कहा जाता है एवं राजस्थान में उसे गमेती के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, जो भूभाग पहाड़ी एवं ऊंचा होता है उसे ये लोग डोंगर कहते हैं। भीलों के घर बांस, ठठर या बेजोड़ पत्थरों के बने होते हैं। जो भील गाँव में निवास करते हैं वो झोंपड़ियों में रहते हैं, और जो शहरों में रहते हैं वो मिट्टी या पत्थरों के मकान में रहते हैं। मकान बनाने के लिए लोग ढालू स्थान चुनते हैं। प्रत्येक घर से मिले हुए एक या दो झोपड़े भी बनाते हैं। इन झोपड़ों में ये अपने मवेशी रखते हैं। वर्षा की कमी तथा उद्योगों के अभाव में ये इधर उधर हटते बढ़ते रहते हैं। जो भील परिवार गाँव के बंधनों में बंधना नहीं चाहते, वे जंगलों में ही घूमते रहते हैं। भोटिया ट्राइब इन उत्तराखंड। दोस्तों, भोटिया जनजाति उत्तराखंड की पूर्ववर्ती जनजातियों में से एक है। वे उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में रहते हैं। दोस्तों, भोटिया जनजाति देश के सबसे अच्छे पर्वतारोही होते हैं। दोस्तों, भोटिया लोक गीतों, नृत्यों और कहानियों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है, जो वे अक्सर अन्य समुदायों के साथ साझा करते हैं।
दोस्तों, भोटिया जनजाति में छुरा एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोस्तों, भोटिया चरवाहों की एक व्यावसायिक जाति है। दोस्तों, भोटिया जनजाति के लिए ऊनी उद्योग भी अर्थव्यवस्था का एक स्रोत है, क्योंकि उन्हें तिब्बत से पर्याप्त कच्चा ऊन प्राप्त होता था। दोस्तों, इस जनजाति की महिलाएं कालीन, कंबल और ऊनी कपड़ों की अच्छे से बुनाई करती हैं। दोस्तों, भोटिया जिन राज्यों में रहते हैं उनमें अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। उत्तराखंड में वे रोंगबा, सिक्किम में बोटी और कुमाऊं में अल्मोड़ा बोलते हैं। दोस्तों, भोटिया हिंदू धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय गांव और पारिवारिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अपने पशुओं को रोग से बचाने के लिए हिंदू मौसम देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भवानी देवी रूप से पूजनीय हैं। बकरियों और सुअरों की बलि दी जाती है और भक्तों द्वारा खाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।